हेलो फ्रेंड, मैं मंजू सिद्दीकी सीजी मास्टर ग्रुप तक की तरफ से। और फ्रेंड स्टार्ट करेंगे आज। थोड़ा सा एक कोई जो इशू आ रहा था हम लोगों के लिए, उसके बारे में जानेंगे कि जो इशू है वो उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। हमारे पास बेसिकली अभी इसको ओके, तो जो इशू आता है उस इशू के बारे में बात करते हैं। वो इशू ये है कि अगर हम यहाँ से इसको मूव करते हैं ना, तो एक इशू आता है ये, ठीक है। इसको हमें किस तरीके से क्रिएट करना है उसके बारे में जानेंगे। तो हम चलते हैं, मैं बेसिक एक शेप अपना जो डिज़ाइन को क्रिएट अपना फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक अपना शेप लेता हूँ जो बेसिकली मेरे पास शेप है इसको। उसके बाद एक हम अपने डिफ़ॉल्ट अपने शेप ले लेते हैं जो हमें चाहिए, एंड रेक्टेंगल ले लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं रेक्टेंगल अराउंड, ठीक है। एंड इसको थोड़ा सा स्प्लिट कर लेते हैं यहाँ से, फिर इसको सिलेक्ट करते हैं ऐसे, थोड़ा सा मैं मूव कर लेता हूँ और इसे अपना सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा शेप को सेट कर लेते हैं। उसके बाद अब हमें करना है कि हमारे पास जो शेप है, इस शेप से हमें अपना रेक्टेंगल क्रिएट करना है एस। तो मैं इसको लेता हूँ अपनी अलग लेयर पे, इसको जी डिलीट, इसे हमारे पास है, मैं नाम देता हूँ उसको बॉडी, ठीक है। उसके बाद एक क्रिएट कर दें और यहाँ नाम देते हैं हम इसको अपना हैंड, एंड इसे हटा देता हूँ मैं। जो इश्यू हुआ था है उसको हम बताते हैं सॉल्व करेंगे। एंड यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेक्टेंगल हमारे पास यहाँ पर इन अपना जो है रेक्टेंगल सॉरी इलिप्स एंड ओवल्स कहते हैं इसे, और इसको यहाँ से लिया, लेने के बाद क्लिक किया और इसको कंट्रोल डी सी कंट्रोल वी शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट निकाला, ठीक है, इन हाफ ऑल्ट के साथ, ठीक है। अब एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर, जो रेक्टेंगल है ये, ठीक है। उसको लोगे एक साइड को रख लेते हैं बेसिक शेप के लिए, एंड सेलेक्ट करते हैं इसको टूल बार के लिए, ये वाला हमारे लिए चाहिए सबसे पहले ये, ठीक है। क्लिक गेट पी सी 50, क्लिक एंड क्लिक मूव सेम, फिर से सब इसे सेलेक्ट करते हैं अराउंड, फिर सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं अपने पॉइंट्स को, और इसके बाद इसे सॉरी, फिर तो हमारे पास जो है हमारा हैंड से जो है वो तैयार हो गया। लेकिन यहाँ एक इशू ये फेस होता है, अगर मैं इसको पहले इसको हटा देते हैं, ये हमारे पास है दोनों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं राइट क्लिक करके, एंड यहाँ आते हैं सेलेक्ट ग्रुप और उसको नाम दे दो कोई भी, आप बेसिक है हमारे लिए तो मैं ऐसे ही नाम दे देता हूँ कोई भी, एंड सेट करते हैं GT, ठीक है। एंड एक काम करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करते हैं पॉइंट को, सिलेक्ट करो GT, मूव एंड जो हमारे पास है इसको बैक नीचे ले आओ, इसे हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से या आप कुछ यहाँ ले आए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं करता हूँ इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें करना है बॉन्ड को क्रिएट करना है, जो हमारे पास बॉन्ड है इसको हम सिलेक्ट करते हैं अपनी बॉन्ड के लिए, लेके आते हैं यहाँ पर एड बॉन्ड, कन्वर्ट टू एड बॉन्ड, ठीक है। क्लिक करोगे
एक वाणी यहाँ पर शिव के साथ, दूसरी यहाँ। फिर मैं आता हूँ अपने इस पर, सेलेक्ट करते हैं अपने जो हमारे पास स्क्रिप्ट है, सेलेक्ट, क्लिक एंड क्लिक, क्रिएट ए बॉन्ड। फिर हम सेलेक्ट करेंगे बॉन्ड के लिए ए, क्रिएट बॉन्ड, ठीक है, क्रिएट ए बॉन्ड। उसके बाद हम आते हैं अपने पार्ट पर और चेक करते हैं यहाँ पर इन्फ्लुएंस जो है वो, उसके इन्फ्लुएंस को कर लेते हैं कम, अपने ऊपर डिपेंड है जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप चेंज कर लो। इन्फ्लुएंस ये है के साथ बी एंड क्लिक, ठीक है, ये वाला बजा हमारे पास, तो इसको सिलेक्ट करूँगा बी, सिलेक्ट, राइट क्लिक एंड टी, ठीक है, और इसको ठीक है वेंड करो। हमारे पास जो है ये वाला ये वो हो बार से हम नहीं, हमें बाउंसर सेलेक्ट करना है राइट क्लिक, ठीक है, एंड इसको सिलेक्ट करें आप जो सर्कल है, इस सर्कल को सिलेक्ट किया एंड इसको भी हमने वेंड कर लिया। सेम नीचे वाला है तो मैं क्या करता हूँ, जो हमारी इसके जो प्रिंसिपल्स हैं उस प्रिंसिपल के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है, इस तरीके से क्लिक, फिर जो हमारे पास ये वाली बॉन्ड सेलेक्ट करो इसको, फिर टी शिफ्ट के साथ क्लिक, असाइन, टिक, सेलेक्ट, और इसके जो इन्फ्लुएंस है थोड़ा सा हम कम कर लेते हैं, इन्फ्लुएंस को कम कर लेते हैं, ठीक है। फिर चेक करो, ठीक है, तो अभी यहाँ देखा कि इस पर जो है वो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे ये वन और क्वेंट चेक एंड सेट, चेक करो। तो अभी इशू आ रहा है, तो आप क्या करोगे, चाइल्ड पेरेंट्स की हायरार्की को चेट सब वो सेट अपने सेट करोगे। सबसे पहले ये देखा है चाइल्ड है तो ये वी सेलेक्ट हटाओ, ये वाला है सेलेक्ट करो इसे हटाओ, फिर ये ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो है सेलेक्ट करो चाइल्ड, और ये इसका पेरेंट, या हम इसका पेरेंट बना देते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं पी और इसका पेरेंट, ठीक है। अब आप चेक करोगे ये देखिए, ठीक है, जो इशू है वो सॉल्व हो गया, और इशू एक और है कि मुझे इस पे भी वेट डालना पड़ेगा, तो सेट करो जी इतना आप क्लिक बाइंड बी जी क्लिक वाइंड सेव, ठीक है। लेकिन अब यहाँ हम देख रहे हैं कि अगर मैं इसको बैक करूँगा तो हमारे लिए क्या इशू आएगा, ठीक है, मेरे पास जो हैंड है मैं हैंड को सिलेक्ट करता हूँ और बॉडी को भेजिएगा, ठीक है, तो ये इशू आ रहा है, देख रहे हैं कि ये मुझे मेरा हायरार्की शो, जो मेरे पास बॉडी है बॉडी का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। इस स्ट्रक्चर को जो है हमें हाइड करने के लिए एक टिक का यूज़ करना पड़ता है। मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, हैंड को ऑफ कर लेता हूँ एंड बॉडी पर आते हैं शिफ्ट के साथ, एंड जो है मैं एक अपने इसको ऑन कर लेते हैं, और यहाँ से मैं डिस्प्ले के अंदर जाके फिल को ऑफ कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए। फिर मैंने बॉडी ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है, यहाँ पर आप एक्स प्रेस करोगे तो आपके पास शेप आ जाएगी, यहाँ एलिप्स चाहिए, और यहाँ शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ आप एक शेप को क्रिएट करोगे, उतना ही जितना कि आपका एक पहले वाला रेक्टेंगल जो एलिप्स है हैंड का ये वाला क्रिएट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हैंड है ये, ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, बॉडी को मैंने बॉडी अच्छा यहाँ से बॉडी हाइड कर देंगे। हाइड करने के बाद क्लिक करोगे आप, ठीक है, जो हमारे पास सर्कल टूल से सिलेक्ट
एंड टूल्स में आप क्या करोगे, एक यहाँ फाइल को ऐड करोगे बीच में, ठीक है। हमारे पास जो है हैंड ऐड टूल, ठीक है, क्लिक 50 इस तरीके से, एंड इसको यहाँ से आप क्या करोगे इस तरीके से सेट कर लोगे, ठीक है। फिर आप क्या करो, जो आपके पास ये वाली पार्ट जो पार्ट है ना हमारे, इनको आप हाइड कर दो, हाइड के लिए ये वाला, ठीक है, इस तरीके से ये वाला है, इसको हाइड कर दो। अब आप अगर देखेंगे जो हमारे सामने प्रॉब्लम फेस हो रही थी वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास है बॉडी का, तो आप अगर इसको जो हमारे पास पहले बॉडी को ले लेते हैं, हमारे पास जो बॉडी है, ठीक है, एंड आते हैं क्यू, हैंड ऑफ कर दो, एंड क्यू जो हमारे पास ये वाला टूल है इसको सेलेक्ट करो, एंड इसको शिफ्ट के साथ अपना एरो की डाउन एरो की कॉपी करोगे तो ये शो हो जाएगा, ठीक है। चेक करो जो इशू आ रहा था, अब आप देख रहे हैं यहाँ हल्का सा इशू है, तो ये कोई इतना बड़ा नहीं, आप सेलेक्ट करो इसको और यहाँ पर आइए, ए क्लिक अपना एड टूल क्लिक यहाँ पर इन हाफ, और यहाँ पर भी शिफ्ट के साथ, और हाइड कर दीजिए इस वाली अपनी, ठीक है, इस वाली एज के लिए एंड इस वाली एज को, दोनों सेट में सेम उसी तरीके से। अब आप चेक करोगे तो देखिए मैंने प्लेटफॉर्म हमारी ये है, ये देखिए, ठीक है, जो इशू आ रहा था वो इशू हमारा सॉल्व हो गया, ये देखिए। यहाँ पर भी हमारा जो है पार्ट देख रहा है थोड़ा सा हाइड हो रहा है हमारी पॉन का, ठीक है, ये हाइड हो रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास हैंड है, फिर सेलेक्ट करो फिर से हेड को क्लिक, ठीक है, शो हो गया ए, और एक अपना फिर से फिल के अंदर आते हैं, क्लिक करते हैं, फिर यहाँ पर एक हम अराउंड पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक, एच एंड सेलेक्ट करो क्लिक, ठीक है, वापस आओ चेक। थोड़े कुछ एडिशन करना होंगे हम लोगों के लिए, लेकिन हमारी जो मॉडल है वो पहले से अच्छा हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ एक इशू आ रहा है, ये देख रहे हैं, तो इसे भी हमें अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ आएंगे पैच, ठीक है, कौन सा चाहिए हमें, बॉडी पे पैच चाहिए और यह हमें हैंड का पैच चाहिए, तो हमने हैंड पे लगाया है तो हम इसको क्लिक कर लेते हैं बेसिकली, ठीक है, पैच हमारे पास ये आ गया, मूव टूल हो गया यहाँ से ये वाला, और इसको सेट करोगे यहाँ, देखिए, तो इसको थोड़ा शिफ्ट के साथ बड़ा कर लो इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ क्लिक करो, यहाँ हमारे पास जो इसका है क्लिक पैच को, और पैच के अंदर आएंगे आप, और यहाँ पैच पैच हमारा जो है पैच तो यही है, ठीक है, क्लिक करोगे आप पैच पैच के अंदर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ इशू आ रहा है, लेकिन आप यहाँ हैंड से पैच से कहोगे आप बॉडी, हो गया ये प्रॉब्लम सॉल्व। अब क्या करोगे, जो हमारे पास जो आ रही है इसको हमें बार बार यहाँ पर दिखाना है, तो क्या करेंगे आप कि इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ क्लिक कर देंगे आप, बस इसके बाद आपको कोई चेंजेस नहीं करना, नहीं इसको वहाँ से आइए और चेक कीजिए, ठीक है, मैनिपुलेट बॉन को सिलेक्ट कर लेंगे आप और चेक करो, ठीक है, ये देखिए, मैं अगर यहाँ रेंडर निकाल के देखता हूँ,
ठीक है, तो मैं फिर से एक बार पैच को चेक करता हूँ, ये मेरा पैच है ये, ठीक है। मूव टू ले लें आप थोड़ी देर के लिए, और इस तरीके से सॉरी ये देखिए, ठीक है, कंट्रोल के साथ आर, ये देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हमारी। तो ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है हमें एक्सक्यूज मी, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है हमारे लिए फेस कहाँ होती हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे लिए होती हैं जब हम इसको 360 रोटेट करते हैं,